सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट लॉजिकल रीजनिंग में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है भारतीय दर्शन शास्त्र में से प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में से कई तरह के क्वेश्चन आए हैं और इनमें जो टॉपिक है वो जैसे प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्धि या अभाव है। ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें से जून 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें कई क्वेश्चन आए हैं और आगे जो हमारा दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी कई क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC NET दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण होता क्या है, उसके बाद में प्रमाण से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक है वो सभी करेंगे। देखिए प्रमाण क्या होता है। प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करे, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ ये चीज़ अब बिल्कुल रियलिटी है। और प्रमाण को अगर इंग्लिश में कहें तो एज ए प्रूफ हम कह सकते, किसी भी चीज़ का प्रूफ होना जिससे हमें सही से पता चल सके ये बात इस तरह थी और ये चीज़ इस तरह से है। तो प्रमाण का मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये होता है। और प्रमाण के अंदर प्रमाण को सिद्ध करने के लिए, उसको सही तरीके से डिफाइन करने के लिए कई चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर सब टॉपिक आ जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया, अर्थापत्ति हो गया, अनुपलब्धि या अभाव हो गया। तो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने हिंदी में दिया हुआ है, ये आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अब देखते दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष, देखिए आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से हमने आम बोलचाल की भाषा में सुना है। प्रत्यक्ष होता है दोस्तों एकदम हमारी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर कट कोई बात हो, वो हमें दिखाई दे जाए, उसके अंदर किसी भी तरह की छुपी हुई बात ना हो। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी आत्मा, मन और इंद्री यानी कि जो सेंस होती है हमारे शरीर के अंदर, उनके द्वारा किसी चीज़ को जानना, उसे समझना, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे सामने आग जल रही है, ये देखिए जैसे हमारे सामने कहीं पे आग जल रही है इस तरीके से, तो ये हमें बिल्कुल साफ साफ तरीके से दिख रहा है भाई वो आग जल रही है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बात छिपी हुई नहीं है, हम एकदम से एक सेकंड में समझ जाएंगे कि वो आग जल रही है इस तरीके से, यानी कि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हों। और जैसे कि किसी को चोट लगी हुई हो तो हम उसको देख ले, उसे खून बहता हुआ देख ले, तो वो क्या होगा कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और किसी की जैसे हड्डी टूट गई हो, हाथ कट गया, उंगली कट गई हो, तो वो एक हम उसे देख लेते तो वो प्रत्यक्ष हमारे सामने प्रमाण होता है। दूसरी तरफ अगर कोई हमें आके ये कह दे भाई उसे तो ना चोट लगी और उसको उसका जैसे कि हड्डी टूट गई, तो वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है दोस्तों। वो हमें क्या है कि हम हमें कोई बता रहा है, हम उसकी बातों पे केवल और केवल विश्वास कर सकते हैं और वो विश्वास हम उस पर उतना करेंगे, अगला व्यक्ति देखना पड़ेगा वो कितना विश्वास योग्य है। तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता हमारे सामने, प्रत्यक्ष वो होता है जो हमारी आँखों के सामने, हमारे सेंस के सामने जो हो, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। और यहाँ पर आप हिंदी में पढ़ सकते, पूरी बातें हमने दी हुई है।
अब देखिए आगे है हमारा दोस्तों, आगे है अनुमान। अनुमान जैसे कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमें अनुमान लगाना, हमें अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ के बारे में। इसे अब देखिए इसके अंदर अनुमान के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसका हमें डायरेक्ट रूप से पता नहीं चल रहा हो, जिसका प्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। वहाँ पे हम अपनी जो थिंकिंग है वो दौड़ाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, संभावना वहाँ पे देखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धुआं है, यहाँ पे इतना धुआं है ब्लैक ब्लैक, तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे आग जल रही है या पटाखों का धुआं है या फिर आर्टिफिशियल कोई धुआं है, यहाँ पे किस तरह का धुआं है ये हम नहीं कह सकते। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आग लगी हुई होगी, हम अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे होने को कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी मशीन के द्वारा ये धुआं छोड़ा गया हो या फिर यहाँ पे आग लगी हो और या फिर यहाँ पे पटाखे जलाए गए हो, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, हम केवल केवल अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद मैं बताऊँ आपको, उसके बाद है उपमान। उपमान का मतलब होता है दोस्तों एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करके कुछ अर्थ निकालना निकालना समझना। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि किसी भी वस्तु को हम दूसरी वस्तु से कंपेयर करते हैं और फिर अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम जैसे नील गाय है, अब जैसे मान के चलिए मैं आपको बताऊँ कि कोई और किसी को बताया कि मैंने आज एक नील गाय देखी और वो तो बहुत भाग रही थी, तो दूसरा व्यक्ति वो सोचेगा नील गाय कैसी होती है, तो वो पहले वाला व्यक्ति बताया कि जो नील गाय होती है वो गाय के जैसी होती है, उसकी भी चार टांगे होती है और गाय जैसा शरीर होता है उसका, यानी कि उसके साथ कंपैरिजन करके वो नील गाय के बारे में बता रहा है कि नील गाय कैसी होती है, दोनों का कंपैरिजन कर रहा है और सिमिलरिटीज उनके अंदर जो समानताएं हैं वो बता के उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां पे कंपैरिजन करके कोई बात समझाई जाए उसे हम कहते हैं उपमान कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में आप देख लेना, क्योंकि कई बार हम हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास शब्द। अब देखिए शब्द प्रमाण के अंदर क्या होता है दोस्तों, और इसे वर्बल टेस्टोनॉमी भी कहते हैं। अब देखिए शब्द प्रमाण के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम किसी के कहे गए शब्दों पर ही विश्वास करते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं पता होता, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते वहाँ पे और प्रत्यक्ष रूप से भी हमें नहीं पता होता और उसे हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, हम केवल केवल जो व्यक्ति जो बात कह रहा है उसी पर हमें विश्वास करना होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ लेना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। देखिए अगर कोई वैज्ञानिक आके हमें यह कहे कि चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी है, 384,400 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ये क्या दोस्तों, हमें विश्वास करना होगा वैज्ञानिक की बातों पर। हम खुद वो तो नहीं ना कि हम इसकी डिस्टेंस नापने चले कि कितनी है, कम है, ज्यादा है, क्या है, और ना ही हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते कि चांद और पृथ्वी के अंदर कितनी दूरी है, हम नहीं, इसके अंदर प्रत्यक्ष भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट रूप से हम नहीं देख सकते कि दोनों के अंदर कितनी डिस्टेंस है, ना ही हम इनके अंदर अनुमान लगा सकते और ना ही इसके अंदर उपमान यानी कि कंपैरिजन कर सकते। इसके अंदर क्या है कि जो वैज्ञानिक ने कह दिया उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास शब्द प्रमाण, यानी कि जो व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो उस पर विश्वास कर लेना। जैसे कि हमने देखा होगा कि अपने आप में बाबा जो लोग बनते हैं वो कहते हैं कि भगवान ऐसा होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से वो होता है। हम क्या करते हैं कि उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, हमें डायरेक्ट रूप से नहीं पता होता कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कैसे है, हम केवल और केवल उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं शब्द प्रमाण कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है दोस्तों अर्थापत्ति। अब देखिए अर्थापत्ति का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई किसी ने कोई बात कह दी, उसकी बातों से हम कुछ अर्थ निकाले तो उसे हम कहेंगे अर्थापत्ति, यानी कि अर्थ के द्वारा जो प्राप्ति होती है हमें ज्ञान की, उसे हम अर्थापत्ति कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है देववत, देववत हमने नाम मान लिया इसका, भाई देववत दिन में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वह मोटा है। अब देखिए जैसे देववत के बारे में आपको एक लाइन कह दूं कि देववत दिन में कुछ भी नहीं खाता फिर भी खूब मोटा है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस वाक्य में नए खाना तथा फिर मोटा होना, इन दोनों कथनों में समन्वय की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि नए, अब देखिए हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं खाता और फिर भी मोटा है, तो दोनों की दोनों जो बातें वो फिट नहीं बैठ रही, तो यहाँ पे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं कि इसने कहा है जो देववत दिन में यानी कि जो डे है डे में भोजन नहीं करता लेकिन फिर भी वो मोटा है, तो यहाँ से क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ से ये अर्थ निकल रहा है कि जो देववत है वो नाइट को भोजन करता होगा, रात को बहुत कुछ खाता होगा। यहाँ से हम अपनी तरह से एक आंसर निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि अगर ये इंसान दिन में भोजन नहीं करता तो उसका मतलब सीधी सी बात यह है कि ये रात को खाना खाता होगा इसलिए ये मोटा है। तो इस तरीके से यानी कि अर्थ जो निकालते हैं हम उसे हम कहते हैं अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा लास्ट अनुपलब्धि या अभाव। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है अनुपलब्धि या अभाव, यानी कि किसी चीज़ के अभाव होने से, किसी चीज़ की कमी होने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो उसे हम कहते हैं अनुपलब्धि या अभाव कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे टीचर के पास पैसे नहीं हैं, हमारे टीचर के पास क्या है,
पैसे नहीं हैं, हमें ये पता चलता है, उनके अभाव के बारे में पता चलता है कि उनके पास पैसों का अभाव है, इतनी बात हमें पता चल गई। तो इससे क्या है कि इससे हम कई और चीज़ें निकाल सकते हैं, कई और अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो इसीलिए स्ट्रेस में रहते हैं, इसीलिए हमें अच्छे से नहीं पढ़ा पाते और इसीलिए इनका ज़्यादातर लोगों के साथ झगड़ा होता है। तो एक चीज़ का अभाव का हमें पता चला और उस अभाव से हम कोई अर्थ निकाले या कुछ और समझे तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाव या फिर अनुपलब्धि प्रमाण कहेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मुख्य रूप से 6 तरह के प्रमाण, इनमें से क्वेश्चन आए हैं और इवनिंग की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इनमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवाऊँ, उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आगे किस तरह से आने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।